हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू पीके टेक्निकल वर्ल्ड फ्रेंड्स टुडे इन दिस वीडियो आई विल एक्सप्लेन द टॉपिक फैंसी एंड इमेजिनेशन इन डिटेल दोस्तों आज के इस वीडियो में हम फैंसी और इमेजिनेशन को डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं आज की ये वीडियो दोस्तों आप लोगों को फैंसी एंड इमेजिनेशन का ये जो टॉपिक है ये हिस्ट्री एंड प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिजम का ये जो बुक है इसमें आप लोगों को मिल सकता है लेकिन दोस्तों आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है वो मैं अपनी नोट से रिकॉर्ड करूंगा क्योंकि जो मैंने नोट्स बनाए हुए हैं उसके लिए मैंने इस बुक से हेल्प लिया है इसके साथ साथ मैंने गूगल की डिफरेंट वेबसाइट से भी हेल्प लिया है ताकि आप लोगों को इस टॉपिक को समझने में आसानी हो तो चलो दोस्तों आते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ फैंसी एंड इमेजिनेशन की तरफ कॉलरेज बेल्ड हिस्सा ऑन द बेसिक डिस्टिंगशन बिटवीन फैंसी एंड इमेजिनेशन दीज टर्म वर यूज्ड बिफोर हिम मोर और लिस्ट एंड डिस्टिंग टू एक्सप्रेस द सेम इम्पैक्ट दोस्तों कहते हैं कि ये जो तीरी है फैंसी एंड इमेजिनेशन का जिसको प्रेजेंट किया है एस कॉलरेज ने कहते हैं कि कॉलरेज से पहले भी ये दो टर्म्स मौजूद थे फैंसी एंड इमेजिनेशन लेकिन इसको एक समझा जाता था कहते थे कि फैंसी और इमेजिनेशन जो है ये एक ही चीज़ है लेकिन जो कॉलरेज था उसने इन दो टर्म्स को अलग अलग कर दिया इन दो टर्म्स में कॉलरेज ने वाजहटेंशन क्रिएट की तो सबसे पहले आते हैं इमेजिनेशन की तरफ दोस्तों इमेजिनेशन के हमारे पास टू टाइप्स हैं। प्राइमरी इमेजिनेशन एंड सेकेंडरी इमेजिनेशन सबसे पहले इमेजिनेशन को डिफाइन करते हैं कि इमेजिनेशन किसे कहते हैं इमेजिनेशन इज एबिलिटी फैकल्टी ऑफ माइंड टू क्रिएट टू शेप डरी इमेजिनेशन दोस्तों कहते हैं कि इमेजिनेशन ह्यूमन माइंड की वो एबेलिटी है वो फैकल्टी है जिसके थ्रू तो वो डिफरेंट इमेज को डिफरेंट शेप्स को डिफरेंट सेम्बल्स आइडियाज को मिला के एक नीव चीज क्रिएट करता है लेकिन दोस्तों हर इंसान की हर इंडिविजुअल की जो मेंटल कैपेसिटी होती है मेंटल एबिलिटी होती है वो एक दूसरे से डिफरेंट होती है एक की परसेप्शन एक टाइप की होती है दूसरी की परसेप्शन दूसरी टाइप की होती है सिंपली इमेजिनेशन का मतलब ये है कि इंसान की वो मेंटल एबिलिटी जिसके थ्रू तो वो डिफरेंट शेप्स को डिफरेंट इमेजेस को डिफरेंट सिंबल्स को मिला के एक नीव आइडिया एक नीव इमेज एक नीव सिंबल क्रिएट कर लेता है तो इसको इमेजिनेशन कहते हैं आगे कॉलरिच कहता है कि इमेजिनेशन के हमारे साथ टू फॉर्म्स हैं पहला है हमारे पास प्राइमरी इमेजिनेशन और दूसरा है हमारे साथ सेकेंडरी इमेजिनेशन प्राइमरी इमेजिनेशन इज इनबोन इट एग्जिस्ट इन एवरीवन बाय बर्थ दोस्तों फर्स्ट पॉइंट में कहते हैं कि ये जो प्राइमरी इमेजिनेशंस है ये پیدائشی तौर पर हर बंदे में पाई जाती हैं कोई भी बंदा प्राइमरी इमेजिनेशन से महरूम नहीं है नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं प्राइमरी इमेजिनेशन एंटायरली डील विद द सेंस ऑफ परसेप्शन फीलिंग सेंसेशन रिकग्निशन वगैरह एंड वी परसीव थ्रू फाइव सेंसेस दूसरे पॉइंट में कहते हैं कि ये जो प्राइमरी इमेजिनेशंस है ये फाइव सेंसेस पर बेस्ड है जैसा कि इंसान के पास फाइव सेंसेस होते हैं ना सेंस ऑफ टच सेंस ऑफ टेस्ट सेंस ऑफ हियर सेंस ऑफ ंग इट मीनस दैट कि जो चीज़ हम देखते हैं जो बातें जो आवाजें हम सुनते हैं जिस चीज को हम टच करते हैं जिस चीज को हम टेस्ट करते हैं उससे हम जो नॉलेज लेते हैं तो हमारे माइंड में एक पिक्चर बन जाती है फॉर एग्जाम्पल एक गर्म चीज को मैंने टच किया तो मेरे जहन में डायरेक्ट या तो आग की पिक्चर बन जाएगी या किसी और गर्म चीज़ की पिक्चर बन जाएगी या मैं रोजाना कॉलेज जाता हूँ ना तो सुबह जब मैं उठता हूँ तो मेरे माइंड में एक पिक्चर बन जाता है मैं सुबह सवेरे कपड़े चेंज करूंगा उसके बाद मैं अपने जूते पहनूंगा उसके बाद मैं मोटरसाइकिल पर सवार यहाँ यहाँ से गुजरूंगा तो ये इमेजिनेशन ये मेरे माइंड में ख़ुद ब खुद बन जाती हैं ये प्राइमरी इमेजिनेशन हैं हर कोई इस तरह की इमेजिनेशन कर सकता है अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ इट इज़ कॉमन फैकल्टी लाइक फाइव सेंसेस एवरीवन कैन टच सी स्मेल हेयर टेस्ट दोस्तों इस पॉइंट में कहते हैं कि ये जो प्राइमरी इमेजिनेशन हैं ये एक कॉमन फैकल्टी है हर इंसान को अल्लाह ताला ने देखने की सलाहियत दी है स्मेल करने की सलाहियत दी है सुनने की सलाहियत दी है टेस्ट करने की सलाहियत दी है इन फाइव सेंसेस से जो वो नॉलेज हासिल करता है उसको प्राइमरी इमेजिनेशन कहते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं प्राइमरी इमेजिनेशन इज रिलेटेड टू सबकॉन्शियस पार्ट ऑफ ब्रेन यहाँ पे कहते हैं कि ये जो प्राइमरी इमेजिनेशन है ये इंसान की जो दिमाग की सबकॉन्शियस पार्ट है उससे रिलेटेड है आप लोग को पता है कि ह्यूमन ब्रेन की थ्री पार्ट है सब कॉन्शियस अनकॉन्शियस और कॉन्शियस नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं प्राइमरी इमेजिनेशन इज अनवॉल्ट्री लाइक इट इज नॉट इन द कंट्रोल ऑफ ह्यूमन बींग कहते हैं कि यह जो प्राइमरी इमेजिनेशन है ये अनवॉल्ट्री है ये इंसान की कंट्रोल में नहीं है इट मीनस डेट कि यह जो थिंकिंग की प्रोसेस है इमेजिनेशन की जो प्रोसेस है ये इंसान की कंट्रोल से बाहर है अगर कोई हमारे सामने मिट्टी चीज़ की बात करे तो जाहिर बात है हमारे जहन में एक गुलाब जामुन की पिक्चर बन जाएगी या किसी और मिट्टी चीज़ की पिक्चर बन जाएगी इसके अलावा अगर कोई हमारे सामने बुक्स का जिक्र करे तो हमारी इमेजिनेशन में एक बुक की पिक्चर बन जाती है तो ये क्या है ये अनवालट्री है हम अपने इमेजिनेशन को कंट्रोल नहीं कर सकते कि वो किसी चीज का शेप ना बनाए किसी चीज़ की पिक्चर ना बनाए क्योंकि इमेजिनेशन ह्यूमन कंट्रोल से बाहर होते हैं अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ प्राइमरी इमेजिनेशन परसीव सिग्नल फ्रॉम द द एक्सटर्नल वर्ल्ड विद हेल्प ऑफ फाइव सेंसेस इस पॉइंट में कहते हैं कि जो प्राइमरी इमेजिनेशन है वो सिग्नल लेते हैं नॉलेज लेता है एक्सटर्नल वर्ल्ड से विद द हेल्प ऑफ फाइव सेंसेस जैसा कि सेकेंड पॉइंट में मैंने एक्सप्लेन किया है कि इंसान के पास फाइव सेंसेस होते हैं टच सी स्मेल हेयर एक्सेट्रा अगर कोई बंदा किसी चीज़ की आवाज़ सुने तो उसका पिक्चर उसकी इमेजिनेशन में बन जाता है फॉर एग्जाम्पल मैं रूम में बैठा हुआ हूँ और बाहर एक ट्रैक्टर जा रहा है तो मेरी इमेजिनेशन में वो उस ट्रेक्टर की एक पिक्चर बन जाती है अगर कोई सुजुकी जा रही है अगर कोई मोटरसाइकिल जा रहा है तो ऑटोमेटिकली उसका जो पिक्चर है वो मेरी इमेजिनेशन में बन जाता है और ये इमेजिनेशन जो है ये अनवॉलेंट्री प्रोसेस है इसको मैं कंट्रोल नहीं कर सकता अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ द मैन फंक्शन ऑफ प्राइमरी इमेजिनेशन इज टू परसीव नॉट टू क्रिएट और जनरेट समथिंग इस पॉइंट में कहते हैं कि जो प्राइमरी इमेजिनेशन है इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही काम है टू परसीव ना के टू क्रिएट नॉर टू जनरेट समथिंग आगे काम है सेकेंडरी इमेजिनेशन का कि उससे वो क्या बना लेता है और जिन लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी इमेजिनेशन होती है उसके सामने वो पुल बस पूल ही रहता है ये खूबसूरत वादियाँ ये इंसान ये हैवान ये तो हर कोई देख लेता है लेकिन जिस इंसान के पास सेकेंडरी इमेजिनेशन होती है वो उससे एक नीफ चीज़ के तौर पर लोगों के सामने पेश कर सकता है लेकिन ये सिर्फ़ और सिर्फ वो लोग कर सकते हैं जिनकी जो सेकेंडरी इमेजिनेशन है वो पावरफुल हो आगे आते हैं अकॉर्डिंग टू कॉलरिज प्राइमरी इमेजिनेशन इज द रिपिटिशन इन द फाइनाइट माइंड ऑफ इटर्नल एक्ट ऑफ क्रिएशन इन द इनफाइनाइट आई एम स्टिकॉल प्राइमरी इमेजिनेशन के बारे में बताता है कि ये जो प्राइमरी इमेजिनेशन है ये हर इंसान के पास होती है ये बाय बर्थ होती है रिपिटेशन इन द फाइनाइट माइंड मीन्स सच टाइप ऑफ इमेजिनेशन रिपीट इन एवरी माइंड एवरी मोमेंट तो दोस्तों ये थी प्राइमरी इमेजिनेशन उम्मीद है आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी अब आते हैं सेकेंडरी इमेजिनेशन की तरफ सेकेंडरी इमेजिनेशन डजेंट एग्जिस्ट इन एवरी वन बाई बर्थ इट इज़ गॉड गिफ्टेड फैकल्टी तो दोस्तों जैसा कि हमने कहा था कि जो प्राइमरी इमेजिनेशन है वो बाय बर्थ हर किसी में पाए जाते हैं लेकिन ये जो सेकेंडरी इमेजिनेशन है ये हर किसी में बाय बर्थ नहीं होती बल्कि ये जो सेकेंडरी इमेजिनेशन है ये एक गॉड गिफ्टेड गिफ्टी है एक गॉड गिफ्टेड एबिलिटी है जो कि खास लोगों के पास होती है मतलब जो शराब है अब हम देखते हैं कि सेकेंडरी इमेजिनेशन किसे कहते हैं एक बात तो क्लियर हो गई कि प्राइमरी इमेजिनेशन बाय बर्थ होती है हर किसी के पास होती है और जो सेकेंडरी इमेजिनेशन है ये खास लोगों के पास होती है नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं इट वर्क अपॉन वट इज द प्राइमरी इमेजिनेशन दोस्तों यहाँ पे कहते हैं कि जो सेकेंडरी इमेजिनेशन है ये उन चीज़ों पर काम करता है उन आइडियाज़ पर उन इमेजेस पर उन सैम्पल्स पर इट मीनस दैट कि उसने जो सुना है कान के ज़रिए उसने जो देखा है आंख के ज़रिए उसने जो टच करते हुए महसूस किया है उन पर यह सेकेंडरी इमेजिनेशन काम करता है दोस्तों तो जैसा कि पहले ही मैंने आप लोगों को बताया है कि जो प्राइमरी इमेजिनेशन है उसको एक्सटर्नल वर्ल्ड से जो सिग्नल है जो नॉलेज है वो विद द हेल्प ऑफ फाइव सेंसेस मिलता है नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं कॉलरेज सेड दैट सेकेंडरी इमेजिनेशन इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम प्राइमरी इमेजिनेशन इन काइंड बट इन डिग्री थर्ड पॉइंट में स्टिक कॉलरेज कहता है कि जो सेकेंडरी इमेजिनेशंस है वो प्राइमरी इमेजिनेशन से काइंड में डिफरेंट नहीं है बल्कि डिग्री में डिफरेंट है अब डिग्री और काइंड किसे कहते हैं डिग्री मीन कि ये जो चीज है ये किस दर्जे का है और काइंड मीन किस किस्म का है तो जो प्राइमरी इमेजिनेशन है वो सेकेंडरी इमेजिनेशन से इनफीरियर है क्योंकि जो प्राइमरी इमेजिनेशन है वो एक चीज़ को एज सेव कर लेता है उससे कुछ और चीज़ें नहीं बना सकता लेकिन जो सेकेंडरी इमेजिनेशन है वो उन चीज़ों को उन आइडियाज़ को जो कि प्राइमरी इमेजिनेशन ने सेव की होती है उन सब को मिला के एक नीव चीज़ क्रिएट कर लेता है नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं इट इज़ मोर क्रिएटिव एंड जनरेटिव देन प्राइमरी इमेजिनेशन दोस्तों तो जैसा कि पहले ही मैंने आप लोगों को बताया कि ये जो सेकेंडरी इमेजिनेशन है मोर क्रिएटिव एंड मोर जनरेटिव होता है बामुकाबला प्राइमरी इमेजिनेशन क्योंकि जो प्राइमरी इमेजिनेशन होते हैं वो न्यू चीज क्रिएट नहीं कर सकती और जो सेकेंडरी इमेजिनेशन है वो डिफरेंट इमेजेस को डिफरेंट सिंबल्स को डिफरेंट आइडियोलॉजीज को कंबाइन करके एक नीव चीज क्रिएट कर लेता है

इसी तरह से नेचर की और ब्यूटीफुल चीज़ों को देखता है तो इसी तरह से एक एक करके चीज़ें जो प्राइमरी इमेजिनेशन में सेव हो जाती हैं तो फिर बाद में जो सेकेंडरी इमेजिनेशन होती है उस पर सोचता है और उन सारी चीज़ों को कंबाइन करके एक न्यू चीज़ क्रिएट कर लेता है मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दूं सेकेंडरी इमेजिनेशन की आप लोगों ने वर्ड्स वर्थ का वो जो पोएम है डेफोडेंस उसको पढ़ा होगा आप लोगों को पता है कि डिफोडल्स जो पानी में उगता है ना वो एक आम सा पुल होता है हम सब उस पुल को देखते हैं लेकिन उसको कोई वीलियो नहीं देते ना अब आप लोगों को पता है कि जो वर्ड्स ने डिफूड पे वो पोएम लिखा है वो कितना मशहूर है कितना फेमस है और आप लोगों को ये भी मैं बताऊं कि एक पुल को वर्ड्स ने देखा था पानी में और दस साल बाद उस पर पोएम लिखा इट मीन दैट कि उसने उस पुल को दस साल पहले देखा था उसकी जहन में वो पिक्चर मौजूद थी लेकिन दस साल बाद जो सेकेंडरी इमेजिनेशन है उसने उस पर काम किया और उस डिफोडल को वर्ड्सवर्थ ने इस तरह से आर्टिस्टिक तरीके से एक्सप्लेन किया कि अब वो हम सब को एक एक्स्ट्रा ऑर्डनरी पूल लगता है तो इसी तरह से जिन लोगों के पास सेकेंडरी इमेजिनेशन होती हैं वो एक आम चीज़ से एक्स्ट्रा ऑर्डनरी चीज़ बना देता है

अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ इट इज द रूट ऑफ आल पोइटिक एक्टिविटी दोस्तों कहते हैं कि ये जो सेकेंडरी इमेजिनेशन है ये रूट है ये बेसिक है तमाम पोएटिक एक्टिविटीज के लिए क्योंकि जिस बंदे के पास ये सेकेंडरी इमेजिनेशन की पावर नहीं है वो पोइट नहीं बन सकता सेकेंडरी इमेजिनेशन पोइट्री के लिए

दोस्तों ये हो गई प्राइमरी एंड सेकेंडरी इमेजिनेशन अब आते हैं फैंसी की तरफ अकॉर्डिंग टू एस्टिकॉलरिज द फंक्शन ऑफ फैंसी इज नॉट टू क्रिएट और जनरेट इट इज़ जस्ट अ फॉर्म ऑफ मेमोरी और अ स्टोर हाउस दोस्तों एस्टिकॉलोरीज इस पॉइंट में कहता है कि जो फैंसी है उसका ये फंक्शन नहीं है कि वो दो इमेज को आपस में मिलाकर उसको एक दूसरे में मर्ज करके एक न्यू शेप एक न्यू चीज क्रिएट करें बल्कि फैंसी एक मेमोरी या एक स्टोर हाउस है इसमें डिफरेंट इमेज आपस में मिल जाते हैं डिफरेंट आइडियाज आपस में मिल जाते हैं लेकिन फिर भी हर इमेज हर आइडिया हर सिंबल अपनी जो आइडेंटिटी होती है वो को नहीं देता क्योंकि जो पिक्चर फैंसी ने इन आइडियाज इन सिंबल्स इन इमेज के मिलाप से बनाया है अगर आप उस पिक्चर को फिर से स्प्लिट करोगे तो फिर से जो आइडियाज जो इमेज जो सिंबल्स हैं वो अपनी जो शनाख्त है वो रिटेन कर देंगे बुक में फैंसी और इमेजिनेशन के लिए दो एग्जाम्पल्स मैंशन कर दिए गए हैं कहते हैं द डिफरेंस बिटवीन द द द टू इज इज सेम डिफरेंस बिटवीन अ मैकेनिकल मिक्सचर एंड अ केमिकल कंपाउंड इस एग्जाम्पल में जो फैंसी कम्बिनेशन करती है डिफरेंट आइडियाज की डिफरेंट इमेजेस की डिफरेंट सिम्बल्स की उसको मैकेनिकल मिक्सचर से तजबी दी गई है और जो कम्बिनेशन जो मिलाप इमेजिनेशन करता है उसको केमिकल कंपाउंड से तबीजह दी गई है अब जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि फेंसी जो कम्बिनेशन कर दे तो उसको स्प्लिट करने के बाद जो चीजें होती है आइडियाज होती हैं वो अपनी जो शनाख्त होती है जो अपनी आइडेंटिटी होती है वो रिटेन कर लेती है लेकिन जो कम्बिनेशन इमेजिनेशन कर लेता है उसमें जो चीज़ें यूज हो जाती है मतलब जो इमेज जो सिम्बल्स जो आइडियाज फिर वो अपनी जो शनाख्त है जो अपनी आइडेंटिटी है वो रिटेन नहीं करती जिस तरह के हम मैकेनिकल मिक्सचर बना लेते हैं वो चीज़ें फिर से अपनी आइडेंटिटी रिटेन कर देती है फॉर एग्जाम्पल मैं एक चेयर बनाता हूँ तो एक चेयर बनाने के लिए मैं लकड़ी का यूज़ करूंगा कील का यूज़ करूंगा फॉर्म का यूज़ करूंगा और एक लेदर का जो कवर होता है उसका यूज़ करूंगा इसके अलावा और जो डेकोरेशन की चीज़ें होती हैं वो मैं यूज करूंगा अगर मैं एक क्वालिटी चेयर तो बना रहा बनाने हूं। बनाने के बाद अगर फिर से मैं उसको तोड़ दूंगा तो क्या जो लकड़ी है वो अपनी शनाख्त गो देगी नहीं लकड़ी लकड़ी ही रहेगी और वो जो कील मैंने टोके है उसमें वो कील फिर से मैं निकाल दूंगा और उसकी आइडेंटिटी फिर से रिटेन हो जाएगी इसी तरह से जो लेदर मैंने वहाँ पे यूज़ किया है जो फॉर्म मैंने वहाँ पे यूज़ किया है तो उस कुर्सी को तोड़ने के बाद वो चीज़ें फिर से अपनी जो आइडेंटिटी है वो रिटेन कर देगी लेकिन जो केमिकल कंपाउंड्स होते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक शरबत बनाता हूँ तो शरबत बनाने के लिए मुझे चीनी की यूज़ करनी होगी पानी का यूज़ करना होगा उसमें मैं थोड़ा सा रंग डालूंगा इसके अलावा आप लेमन का भी यूज कर सकते हैं नमक भी डाल सकते हैं तो दोस्तों आप लोग मुझे बताएं जब मैं शरबत बनाऊं क्या उस शरबत से मैं फिर से वो नींबू निकाल सकता हूं फिर से वो चीनी में निकाल सकता हूं क्या फिर से मैं वो पानी उस रंग से जुदा कर सकता हूं बिल्कुल भी नहीं इट मीनस दैट कि जो क्रिएशन इमेजिनेशन करता है वो एक हाई लेवल की होती है और जो क्रिएशन फैंसी करती हैं वो लो लेवल की होती हैं अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ कॉलरेज इज कॉल्ड फैंसी द एग्रीगेटिव एंड एसेसिवेटिव पावर यहाँ पे कॉलरेज कहता है कि जो फैंसी है ये एग्रीगेशन और एसेसिवेशन करती है ये दो चीज़ों को आपस में मिला लेता है लेकिन नई चीज को ये क्रिएट नहीं करता नेक्स्ट आते हैं कॉलरेज रिगार्ड फेंसी टू बी द इनफीरियर टू इमेजिनेशन इस पॉइंट में कॉलरेज कहता है कि जो फेंसी है वो इमेजिनेशन से इन्फीरियर है क्योंकि जो फिंसी है वो दो चीज़ों को तो मिला लेता है लेकिन उसको एक दूसरे में मर्ज नहीं कर सकता और दूसरी बात यह है कि ये न्यू क्रिएशन नहीं करता और इसके बरक्स जो इमेजिनेशन है वो दो चीज़ों को इस तरह से मर्ज कर लेता है कि वो अपनी आइडेंटिटी को देते हैं और एक न्यू चीज़ वजूद में आ जाती है नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं इट ओनली कम्बाइन डिफरेंट थिंग्स लाइक इमेजेस आइडियाज सिंबल्स इनटू डिफरेंट शेप्स नॉट लाइक इमेजिनेशन टू फ्यूज देम इनटू वन इस पॉइंट को ऑलरेडी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं फैंसी वर्क लाइक अ रिमाइंडर इट रिमाइंड ओल्ड मेमोरीज दोस्तों इस पॉइंट में कहते हैं कि जो फैंसी है वो रिमाइंडर का काम भी करते हैं आप लोगों को पता है कि कभी कभार हम अकेले में बैठ जाते हैं तो हमें बहुत पुरानी पुरानी चीजें याद आ जाती हैं तो ये कौन करता है ये फैंसी करता है जैसा कि सेकेंडरी मेमोरी में मैंने एक एग्जाम्पल आप लोगों को दी थी डेफोडिल की कि ये जो डेफोडल का पूल है ये वर्ड्स वर्द ने दस साल पहले देखा था और एक दिन वो अकेले में बैठा था उसको वो जो डेफोडिल का पूल है जिसने उसको पानी में देखा था वो याद आया तो उसने दस साल बाद उस पुल पर अपना जो फेमस पोएम है वो लिख लिया नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं फैंसी टेक्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम प्राइमरी इमेजिनेशन इट किन नॉट डायरेक्टली परसीव फ्रॉम एक्सटर्नल वर्ल्ड दोस्तों इस पॉइंट में कहते हैं कि जो फैंसी है वो इन्फॉर्मेशन लेती है किस चीज़ से प्राइमरी इमेजिनेशन से जैसा कि प्राइमरी इमेजिनेशन को डिफ़ाइन करते हुए मैंने आप लोगों को बताया था कि जो एक्सटर्नल वर्ल्ड से सिग्नल्स आते हैं इंफॉर्मेशन आती है तो वो कौन परसीव करता है प्राइमरी इमेजिनेशन तो यहाँ पे जो फैंसी है वो प्राइमरी इमेजिनेशन से इंफॉर्मेशन लेती है और फिर उस पर काम करती है क्योंकि फैंसी को डायरेक्टली एक्सटर्नल वर्ल्ड से इंफॉर्मेशन या जो सिग्नल्स है वो नहीं आते अब आते हैं लास्ट पॉइंट की तरफ फैंसी इज़ डिफरेंट फ्रॉम इमेजिनेशन इन इट्स काइंड नॉट डिग्री दोस्तों जैसा कि मैंने आप लोगों को प्राइमरी एंड सेकेंडरी इमेजिनेशन को एक्सप्लेन करते हुए बताया था कि जो प्राइमरी इमेजिनेशन है वो सेकेंडरी इमेजिनेशन से डिग्री में चेंज है काइंड में नहीं और यहां पे जो फैंसी है वो इमेजिनेशन से काइंड में चेंज है डिग्री में नहीं तो दोस्तों ये दी आज की वीडियो उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी दोस्तों अगर फिर भी आप लोगों को इस टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन करें अगर ना हो तो आप लोग मुझसे पर भी रहा कर सकते हैं थैंक यू वेरी मच